गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज चैप्टर नंबर 15 ऑफ 8th स्टैंडर्ड एंड एक्सरसाइज 15.2. 15.1 वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियो. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 15.2 एंड सेम एज इट इज लीनियर इक्वेशंस. जो चैप्टर होगा हमारा बेस्ड होगा लीनियर इक्वेशन के ऊपर. बस यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थ्राइस ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 7 गिव 73. फाइंड द नंबर. थ्राइस ए नंबर, एक नंबर का 3 टाइम्स इंक्रीज्ड बाय 7 ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या मिलता है? 73. फाइंड द नंबर. वी फाइंड द नंबर, हमें नंबर को फाइंड आउट करना है. जो नंबर फाइंड आउट करना है वो मान लेंगे. लेट नंबर इक्वल टू एक्स. जो नंबर लिया वो हमने कैसा लिया है? एक्स. देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थ्राइस अ नंबर, नंबर का 3 टाइम्स मीन्स 3x इंक्रीज्ड बाय 7 प्लस 7 गिव 73 इक्वल टू 73. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. 3x इक्वल टू 73 माइनस 7 एंड दिस इक्वल टू 73 माइनस से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा 7, देन इक्वल टू 3x. 73 माइनस 7 इक्वल टू 66. नेक्स्ट इज x इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इक्वल टू 3 1 3 2 22. वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 22. देन नंबर, देन जो हमारा नंबर होगा नंबर वो क्या होगा? 22. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2/5 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4/5 ऑफ द सेम नंबर इज इक्वल टू 14. फाइंड द नंबर. हमें नंबर फाइंड आउट करना, देन फर्स्ट लेट ए नंबर, लेट ए नंबर इक्वल टू एक्स. देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2/5 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4/5 ऑफ द सेम नंबर, नंबर का 4/5 मतलब नंबर का 4/5 में से सब्ट्रैक्ट करें 2/5 ऑफ अ नंबर, नंबर का 2/5 देन इक्वल टू 14. तो इक्वल क्या मिलता है? 14. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देन वी टेक एलसीएम 5 4x माइनस 2x इक्वल टू 14 एंड 2x बाय 5 इक्वल टू 14. दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2 2 1 2 7 7 5 जा 35. देन दिस इक्वल टू 35. वैल्यू ऑफ x 35. देन नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 35. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर व्हेन एडिड टू 13 गिव्स 17. क्या नंबर ऐड किया जाए 13 में, क्या मिले हमें? 17. लेट द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एक्स. जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा? एक्स. व्हाट नंबर व्हेन एडिड टू 13, अगर 13 में वो नंबर एक्स ऐड किए तो क्या मिलेगा हमें? 17. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स इक्वल टू 17 माइनस 13 एंड एक्स इक्वल टू 14. देन दिस नंबर इक्वल टू दिस, सॉरी, 17 माइनस 13 इक्वल टू 4. दिस नंबर इक्वल टू 4. रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 4. अगर 13 में 4 ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा? 17. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 4 टाइम्स अ नंबर एडिड टू 3 इज इक्वल टू 15 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर देन फाइंड द नंबर. इफ 4 टाइम्स ए नंबर, अगर एक नंबर का 4 गुना एडिड टू 3 मतलब 3 ऐड किया जाए इस इक्वल टू कैसा होगा? 15 लेस देन, 15 कम 5 टाइम्स द नंबर, उस नंबर के 5 टाइम्स से 15 कम. फाइंड द नंबर, हमें क्या फाइंड आउट करना? नंबर. देन लेट ए रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एक्स. वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा? एक्स. इफ 4 टाइम्स ए नंबर मीन्स
4x, नंबर का 4x एडिड टू 3, 3 में ऐड कर दिया जाए, इस इक्वल टू, इक्वल होगा हमारा 15 लेस, 15 कम किससे, 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, नंबर के 5 टाइम्स से 15 कम, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 4x, टेक 5x ऑन लेफ्ट साइड, माइनस 5x इक्वल टू माइनस 15 माइनस 3, देन माइनस x इक्वल टू माइनस 18, x टू x कैंसल, देन माइनस टू माइनस कैंसल, देन x इक्वल टू 18, देन रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 18। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ टू नंबर इज 112 एंड देयर डिफरेंस इज 62, फाइंड द नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स x एंड y, लेट टू नंबर्स x एंड y, देन सम ऑफ टू नंबर x प्लस y इक्वल टू 112 अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड देयर डिफरेंस इज 62, लेट x ग्रेटर y एंड x माइनस y, दोनों का सम कैसे, डिफरेंस कैसा, 62, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, देन फ्रॉम टू, फ्रॉम टू सेकेंड से x इक्वल टू 62 प्लस y एंड पुट पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन वन में पुट करेंगे x की वैल्यू, x इन प्लेस ऑफ x है, वी राइट 62 प्लस y इक्वल टू 112, देन 2y इक्वल टू 112 माइनस 62 एंड दिस इक्वल टू 50 एंड 2y इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 25, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 25, अगर y की वैल्यू 25 है तो आप x की फाइंड आउट करोगे, देन फ्रॉम दिस, यहाँ से x की वैल्यू होगी x इक्वल टू 62 प्लस y 25, देन 87, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 87, टू नंबर x एंड y, टू नंबर्स आर 87 एंड 25, या आप इसको 25 और 87 भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर ऑब्टेंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम द नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग इट बाई 7, फाइंड द नंबर, क्या कहता है यहाँ पे, ए नंबर ऑब्टेंड जो हमें मिलता है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम द नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग इट बाई 7, फाइंड द नंबर, यहाँ पे एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करें हम 6 हैं फ्रॉम द नंबर, नंबर में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करें जो नंबर हमें मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, टू द उस नंबर के जो ऑब्टेंड होगा उस नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद, इसका मतलब है अगर एक नंबर है रिक्वायर्ड नंबर, लेट जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x, अगर नंबर से 6 सब्ट्रैक्ट करें x माइनस 6 किसके इक्वल है, उस नंबर के ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग इट जो इसको 7 से डिवाइड करके मिलता है, मतलब x बाई 7, जो नंबर में से 6 सब्ट्रैक्ट किया जो आंसर यहाँ है वो नंबर किसके इक्वल है, उसी नंबर को 7 से डिवाइड करके उसके इक्वल, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 7, वैल्यू ऑफ x, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 7x माइनस 7 6 42 इक्वल टू x एंड x टेक ऑन लेफ्ट साइड 7x माइनस x एंड 42 ऑन राइट साइड दैट इज 42, 6x इक्वल टू 42 एंड x इक्वल टू 42 बाई 6, 6 वन जा 6 7 जा, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 वो नंबर क्या हमारा रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 7, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एग्जामिनेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम इज द सेम
एज 3 times द मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन इफ टुगेदर दे स्कोर 116 marks फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय राम एंड मोहन। क्वेश्चन में क्या है, इन एन एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम है जो मार्क्स ऑब्टेन बाय राम ने किए हैं वो कैसे हैं, एस वही जो मोहन ने 3 times मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वैसे। इफ़ टुगेदर दे स्कोर 116 marks, अगर दोनों के मिलके 116 marks हैं तो हमें किसके मार्क्स बताने हैं, हमने राम के मार्क्स बताने हैं और मोहन के। लेट फर्स्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय राम, हमने लेट किया राम ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो कितने हैं हमारे एक्स। देन मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन, मोहन ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 3 times द मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन, वो सेम था ना हमारा, तो यहाँ उसके क्या होंगे 3 times 3x। यहाँ कहता है राम के जो मार्क्स हैं 3 times एज जब मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन, ठीक है, मीन्स राम के अगर x हैं तो मोहन के कैसे होंगे 3 times होंगे 3x। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों का स्कोर कितना 116x प्लस 3x इक्वल टू 116। Then 4x equal to 116 and x equal to 116 by 4. Then cancel 4, 4 to 8 and 36 for 9. x equal to 29. Value of x 29 and x क्या है, oh, marks obtained by Ram. जो राम ने marks obtained किए हैं वो कितने हैं 29. Marks obtained by Ram equal to 29 and marks obtained by Mohan equal to 3 into 29 and this equal to 87. 87 marks किसने obtain किए हैं, मोहन ने, क्योंकि question में क्या कहा गया है कि exam में marks obtained by Ram is the same as 3 times कि 3 गुना है the marks obtained by Mohan का, जो मोहन का marks राम के marks होंगे मोहन के marks वैसे कैसे होंगे 3 गुना 3 times, तो राम के हमारे 29 होंगे मोहन के 87, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इसमें आप स्टेटमेंट में पजल मत होना बच्चों, क्योंकि राम के जो मार्क्स हैं वो एज सेम है एज 3 times जो मार्क्स मोहन ने ऑब्टेन किए हैं वही सेम, जो 3 times मोहन ने लिए हैं वो अकेले किसने लिए हैं राम ने, ठीक है, ये हमारी कंडीशन कहती है दोनों के एक इकट्ठे दे रखे 116, तो वहाँ पर राम और मोहन के मार्क्स अलग अलग 29 और 87 है। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव ओड इंटीजर इज 216। सम जो जोड़ दिया गया किसका, 2 लगातार पॉजिटिव ओड इंटीजर्स का 216। फाइंड द स्मॉलर ऑफ 2 numbers, दोनों में से स्मॉलर फाइंड आउट करना है। लेट फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट ओड पॉजिटिव इक्वल टू एक्स, एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है एक्स और वो है ओड और पॉजिटिव। सेकंड जो सेकंड होगा ओड पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा एक्स प्लस 2, क्यों, क्योंकि अगर एक ओड हमारे पास 3 है तो इसके बाद तुरंत बाद लगातार दूसरा ओड क्या होगा हमारे पास प्लस 2 करेंगे तभी तो ओड मिलेगा, अगर 1 ऐड किया तो क्या चला जाएगा इवन नंबर चला जाएगा, इसलिए अगर एक ओड एक्स लिया तो सेकंड ओड क्या होगा एक्स प्लस 2, और ये हमारा स्मॉलर ओड है ये हमारा ग्रेटर ओड नंबर है, हमने स्मॉलर बताना है इन नंबरों में से, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दैट गिवन सम ऑफ 2 नंबर, दोनों का सम गिवन है 216, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 216 एंड दिस इक्वल टू 2x प्लस 2 इक्वल टू 216 एंड 2x इक्वल टू 216 माइनस 2
214 एंड x इक्वल टू 214 डिवाइडेड बाय 2 टू 1 टू 1 7 x इक्वल टू 107। जो वन ओड होगा वो हमारे पास 107 मींस 107 और सेकंड 109। इसने स्मॉलर पूछा गया है देन स्मॉलर नंबर इक्वल टू 107। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर इज 180, फाइंड दिस नंबर्स। सम गिवन 3 कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार पॉजिटिव इवन इंटीजर का कितना है 180, फाइंड दिस नंबर। लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव मान लिया हमने x, देन सेकंड इवन और कंसेक्यूटिव मंथ्स लगातार इवन नंबर, नेक्स्ट इवन क्या मिलेगा x प्लस 2। सेम अगर एक इवन आपके पास 2 नंबर है, नेक्स्ट इवन क्या होता है 2 के बाद 4 होता, कब मिलेगा जब 2 ऐड करोगे। आप ऐसे पजल मत होना कि ओड में भी 2 किया है ऐड इवन में भी, अगर ओड में 2 ऐड करोगे ओड मिलेगा, इवन में 2 ऐड करोगे इवन मिलेगा। नेक्स्ट इवन हमारा x प्लस 2 एंड थर्ड इवन नंबर x प्लस 4। अब उसमें इसमें फिर 2 ऐड करोगे वो x प्लस 4 हो जाएगा। एंड सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 180। x प्लस x 3x प्लस 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 180 एंड 3x इक्वल टू 180 माइनस 6 10 माइनस 6 4 देन 7 174 3x एंड x इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाय 3 3 1 3 5 15 टू 3 8 जा x इक्वल टू 58। सो फर्स्ट हमने तीनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट इज 58, सेकंड इज प्लस 2 60 एंड थर्ड इज प्लस 2 62। दिस आर 3 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड दिस आर 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कंप्लीट योर एक्सरसाइज मींस कंप्लीट दिस 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी इन नेक्स्ट वीडियो।